हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ मेनी ब्रिक्स इन वन क्यूबिक मीटर, मतलब कि एक क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें लगती है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया है मॉडुलर ब्रिक। तो मैं आपको बता दूँ कि जो ब्रिक होते हैं उसके दो केस होते हैं, फर्स्ट होता है मॉडुलर ब्रिक और सेकेंड जो होता है जो मैंने कि यहाँ पर नहीं बताया है वो नॉन मॉडुलर ब्रिक। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे मॉडुलर ब्रिक के बारे में। मॉडुलर ब्रिक की जो इंडिया में जो साइज होती है वो क्या होता है, साइज ऑफ ब्रिक, मैं मॉडुलर ब्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो साइज ऑफ ब्रिक होता है 19 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर। ये अधिकतर इंडिया में इसी तरह की ब्रिक्स आपको मिलेगी जो कि मैंने यहाँ डायग्राम में भी शो किया, आप देख सकते हो। ठीक है, ये मेरी लेंथ 19 सेंटीमीटर है और जो 9 सेंटीमीटर ये विड्थ है और ये 9 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। ठीक है, तो ये हमारी साइज ऑफ ब्रिक है। ठीक है, और अभी मैंने सेकेंड वाला यहाँ पर लिया है साइज ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार। ठीक है, तो उसकी साइज क्या होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। इसका भी मैंने एक डायग्राम शो किया है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, जो मेरी लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो मेरी 10 सेंटीमीटर है और जो हाइट है मेरी वो 10 सेंटीमीटर है। ये क्या है, ये विड्थ मोर्टार है। ठीक है दोस्तों, ये विड्थ मोर्टार है, मतलब कि जो मेरी मोर्टार की जो थिकनेस हुई वो कितनी हुई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ ब्रिक। उसके लिए मैंने फार्मूला लिखा है, नंबर्स ऑफ ब्रिक इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबिक मीटर। ठीक है, एक क्यूबिक मीटर डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार। ठीक है, तो हमें क्या निकालना रहेगा, पहले हमको निकालना रहेगा वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबिक मीटर के लिए फार्मूला क्या है मेरा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मतलब हमको क्या करना है, वन मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि इन सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर। अगर मैं इन तीनों का इंटू करता हूँ तो मेरा क्या जाएगा, 1 मीटर, ओ सॉरी, ये 2 × 0 × 2 × 0 × 2 × 0, मतलब कि इन सब का जो इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 6 × 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के बाद 6 × 0। और जो सेंटीमीटर एक क्यूब कैसे आया, सेंटीमीटर × सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, जब आपस जो इंटू होता है तो ये जो घाते रहती है वो आपस में जुड़ कर मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 टाइम है तो उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहला क्या निकाल लिया है, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार के लिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट वही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वॉल्यू पुट कर देता हूँ, लेंथ मेरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर यूनिट नहीं शो की है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर, विड्थ है मेरी 10 सेंटीमीटर और हाइट है मेरी वो भी 10 सेंटीमीटर। इन तीनों का मैं इंटू करता हूँ तो ये आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर³। ठीक है दोस्तों, तो अब यह जो दोनों मैंने निकाल लिया है, इन दोनों की जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाले फार्मूला में पुट कर देता हूँ। तो नंबर्स ऑफ ब्रिक इक्वल्स टू क्या है मेरा, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबिक मीटर, हमें डिवाइड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार। तो अभी हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार का, ये जो आया हुआ था वो कितना था, ये आया हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है और डिवाइड में क्या है मेरा, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार, तो वो ये वाली वैल्यू जो मैंने जस्ट निकाली थी, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो अब देखेंगे कि ये 500 आ गया, 500 आया। ओके, से जो मेरा ये 0 है, 1 2 3 3 0, यहाँ से मैं 3 0 यहाँ से इसको भी काट देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कितना बचा है, 3 0 यहाँ बचा और यहाँ पे 2 बचा है, तो इन तो कितना हो जाएगा, 2 2.5 और ये 2 0 बच गए, मतलब 500। ठीक है दोस्तों, मतलब 509। ठीक है दोस्तों, तो ये वन क्यूबिक मीटर में मतलब कितने ईंटें लगेगी, वो है 500 नग लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सेंटीमीटर से निकाला था। अगर आप चाहो तो इसे mm में भी निकाल सकते हो और मीटर में भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर भी करें, लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।